Thank you.
Thank you.
ଆଜି ବୋଲେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ତ ଗଗନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्री गुरु जी महाराज की आज बहुत बढ़िया तिथि। कहते पहला तिथि क्या है, कहते श्री जो जगन्नाथ जी को आप दर्शन कर रहे हो, ये 15 दिन तक ये अनवसर, अनवसर मतलब है ये 15 दिन तक एकदम अंदर में छुपे हुए थे, 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे रहे थे। कहते 15 दिन बाद में श्री जगन्नाथ जी ने आज दर्शन दिया है। ये 15 दिन तक क्या करते हैं, हम लोग 15 दिन पहले हम लोग ने आप लोग जो आए हुए थे कथा सुने होंगे, श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ, जगन्नाथ जी को अंदर से बाहर निकाल करके जगन्नाथ जी को सोने की कलसी में पानी दे करके अपूर अपूर चंदन को दे करके जगन्नाथ जी को सोने की कलसी से जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। जब जगन्नाथ जी को स्नान जगन्नाथ जी को कराते हैं, अगर आप लोग ज्यादा स्नान करते तो क्या होता है, भूखा पड़ जाता है, इसलिए जगन्नाथ जी एकदम भूखा में बैठ गए थे। और भूखा में भगवान कोई भूखा कोई होता है, जिनका नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाए सारे बीमारी। इसलिए शास्त्र ने बताया सर्प रोग उपशमनम सर्प उपद्रव नाशनम शांति का जगन्नाथ जी का नाम लेने से कभी सर्प रोग विनाशन कभी सारे रोग दूर हो जाते, सर्प उपद्रव शमन। अगर कोई आपको घर में दुख कष्ट आ रहा है, कभी ठाकुर का नाम लो, संसार का सारे दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगा। इसी तरह ना सब दुख दूर दूर जब तेरा नाम है। लेकिन जगन्नाथ जी फिर स्नान करके फिर बुखार भी बड़ी हो जाता है, ये तो गोपियों के साथ में सखाओं के साथ में जमुना में खूब गोता लगाते रहते हैं, जमुना में ठाकुर जी खूब पीड़ा करते हैं और उनको बुखार नहीं होता, और थोड़ी सी पानी में नहा दिया तो जगन्नाथ जी बुखार बड़ी हो जाता है। ये बुखार नहीं, ये प्रेम की बुखार, ये प्रेम की रोग है। इसलिए जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी कौन है, ये जगन्नाथ जी कृष्ण है। कृष्ण जी अपनी कथा सुन सुन करके प्रेम से कृष्ण ही ये जो जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं, इनका हाथ ऐसे है, उनको पैरा नहीं, इतने बड़ी बड़ी इनकी आंखें हैं, क्योंकि अपनी कथा सुनते 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 ठाकुर जी ये रूप ठाकुर जी धारण कर दिया है। और बलदेव प्रभु भी बलदेव प्रभु भी अपनी कथा सुनते सुनते सिद्धाऊ भैया जी ये रूप धारण कर दिया, और बीच में उनकी बहन श्री सुभद्रा देवी ये भी दोनों को रूप दे करके और ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते ये भी प्रेम में ये द्रवीभूत हो गए। और ठाकुर का हाथ में जो सुदर्शन चक्र रहता है, कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, तब वो सुदर्शन चक्र भी द्रवीभूत होकर के इस तरफ में देखो जैसे एक लकड़ी जैसे हैं, ये सुदर्शन चक्र भी ये भी एक लकड़ी का रूप धारण करते हैं। ये ठाकुर का ये प्रेममय रूप है, ये प्रेम में ही ठाकुर जी के द्रवीभूत हो गए हैं ठाकुर जी। इसलिए अभी ठाकुर जी रहते हैं कहाँ पर, द्वारका में अपना लक्ष्मियों को साथ में रहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा होती है कभी कभी बीच बीच में वृंदावन में भी जाऊं और हमारी श्री राधा रानी से प्राप्त, और ये ब्रज गोपियों से प्राप्त हूँ, भैया जसोदा नंद बाबा से प्राप्त हूँ, राम वसुदा मधुमंगल सखाओं से प्राप्त हूँ, थोड़ी सी इनके साथ में मिल करके आऊं, क्योंकि इनका जो प्रेम है प्रजवासियों का जो प्रेम है एकदम शुद्ध प्रेम है। इनके प्रेम ना कोई खोट नहीं, कोई कामना वासना नहीं, ये कृष्ण के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं,
इनके प्रेम एकदम शुद्ध प्रेम है, हैं कृष्ण के लिए। आप लोग सुने होंगे कृष्ण जो काली के सर पर ठाकुर जी उन्होंने नृत्य किया, जब ब्रजवासियों को पता चला सब भरते भरते आए, जब देखा कृष्ण को काली और नाग पकड़ करके रखा, सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में जमुना में प्राण त्याग करने जा रहे थे, बोले कृष्ण विरह से हम प्राण नहीं धारण करेंगे। लेकिन दाऊ भैया को सब कुछ पता है कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने बड़े कष्ट से ब्रजवासियों को रोक रहे, बोले कोई चिंता मत करो, अभी अभी कृष्ण आने वाले हैं, जब कृष्ण वापस आएंगे, अगर तुम लोग सबके सब कृष्ण विरह में प्राण त्याग कर लोगे फिर कृष्ण को प्रेम कौन करेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो, कृष्ण भी आएंगे। उनको बड़ी कष्ट से बलदेव प्रभु को रोक लगे थे, क्योंकि कृष्ण का विरह को ये कभी सहन नहीं कर सकते ये ब्रजवासी, इसलिए कृष्ण चाहते हैं सालों में एक बार अपना ब्रजवासियों से मिले। लेकिन ये रहते हैं किसको साथ में, लक्ष्मी को साथ में, अपना पटरानी रुक्मिणी सत्यभामा इनको साथ में ठाकुर जी रहते हैं। जगन्नाथ जी सोचते हैं अगर मैं लक्ष्मी को बोल दूँ, अगर किसी व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो, किसका दो पत्नी हो, अगर पति अगर बोलता है एक पत्नी से थोड़ी से उससे मिलने के लिए जाता हूँ, एक पत्नी क्या बोली, बोले वही जाओ, आने का कोई जरूरत नहीं है, वही रहना, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं, आज ना रोटी फेंक करके देखी, मुँह टेढ़ी करके फिर खाना पीना रोटी बोटी सब बंद कर देखिए। इसलिए जगन्नाथ जी उन्होंने क्या किया, 15 दिन तक जगन्नाथ जी अभी अंदर में 15 दिन तक रहे, किसको दर्शन नहीं दे, और उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिए। अभी 15 दिन तक आप लोग जगन्नाथपुरी तो कौन कौन गए हो जगन्नाथपुरी, हाथ उठा, इतना ही गए, कौन कौन जाना चाहते हो, एक बार आपको सबको ले जाए, ठीक है। देखो ये रथ यात्रा में है ना, कहते जो रथ जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर में एक बार जो जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेता है, ये पुराण कहता है रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न मिलेगा, एक बार केवल रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को कोई रथ को ऊपर देख लिया, शास्त्र गर्व देता है तुम्हारी जगत में दो बार कोई जन्म नहीं होगा, शास्त्र गारंटी देता है, इतने महत्व रथ के ऊपर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने का है, बड़े महत्व है, इसलिए लाख लाख लोग आते हैं श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। और जो रथ यात्रा में जो रसी जगन्नाथ जी के उसको तो खींचने का इतने महत्व है जो सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों, भले ये रथ यात्रा नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को हृदय में बैठा करके, अपना हृदय रूपी रथ में राधा रानी बैठा करके कृष्ण को कहाँ ले जा रहे हैं, अब कृष्ण को वृंदावन ले जा रहे हैं, द्वारका से उनको वृंदावन ले जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न, जगन्नाथ जी बड़े खुश रहते हैं उस समय में, उनको अब जो कुछ मांगो जगन्नाथ जी को सब इच्छा पूरी कर देते, सब इच्छा पूरी कर देते जगन्नाथ जी। उनको रथ के ऊपर में देखना, घर में अगर पत्नी को पति से कुछ मांगना हो, कोई चीज़ कोई बड़ा चीज़ मांगना हो जो पति सहज में देना नहीं चाहते हैं, अब देखना पत्नी मौका ढूंढेगी तब ये खुश रहेंगे, तब उन्हें बता है, अब देखना पत्नी जब ज़्यादा करती है ना सेवा से ज़्यादा करने लग जाती, पति को भी पता चलता है ये दाल में कुछ डाला है, ये ज़्यादा क्यों कर रही है, ये कुछ मांगने वाले हैं, ये कुछ मांगने वाली है हमसे। इसलिए जब कोई व्यक्ति खुश रहता है ना उससे कोई चीज़ मांग खुद दे देते, इसलिए जगन्नाथ जी अब वृंदावन जा रहे हैं और सबसे खुश उस समय, क्योंकि गोपियों से प्रेमी को साथ में राधा जी से जसोदा से नंद बाबा से मिलेंगे, बड़े खुश है जगन्नाथ जी। इसलिए उसी समय कोई व्यक्ति खुश हो उस समय, इसलिए नियम है जब किसी व्यक्ति कोई चीज़ मांगो ना, जब मूड खराब उस समय नहीं मांगनी चाहिए, डंडा बढ़िया है, जिस समय कोई व्यक्ति खुश रहता है उस समय मांगो। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े खुश रहते हैं जब वृंदावन जाते हैं, इसलिए उस समय में जो कुछ जगन्नाथ जी को मांगो जगन्नाथ जी सब इच्छा पूरी कर देते हैं, इतने महत्व है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। इस बार आप लोग, इस बार तो लॉकडाउन है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तो होगी पूरी में, लेकिन बाहर लोग खींचने नहीं दे, क्योंकि कोरोना महामारी अभी भी कोरोना है। केवल पंडे लोग जिनको केवल उनको परीक्षा करके जिसको कोरोना नहीं होगा उनको टेस्ट करके वही लोग ही रथ को खींचेंगे, सभी नहीं।
लेकिन देखो जगन्नाथ जी का अगर आशीर्वाद रहा, अगले साल अगर ये लॉकडाउन नहीं रहा तो हम सबके सब चलेंगे, ठीक बन जाएगा सबके सब। अभी से थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करके रखो, थोड़ी थोड़ी पैसा इस बार जमा करके थोड़ी थोड़ी रखो, और जीवन में एक बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा जीवन में कम से कम देखो। हमारा जो भारत है ना पुण्य भूमि, भारत पुण्य भूमि है। कोई कोई लोग विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आप वृंदावन गए हो वहाँ अंग्रेजी मंदिर में जाना देखना। हमारे गुरुदेव का भी बहुत सारे शिष्य है, वो अमेरिका छोड़ करके लंदन फ्रांस छोड़ करके और रसिया छोड़ करके पूरा जीवन वृंदावन में बास कर रहे हैं, पूरा जीवन। अगर उनको जाना पड़ता है ना, हमारे गुरु बड़े गुरु जी का कुछ शिष्य लोग है, जब उनकी वीजा खत्म हो जाती इतने रोते हैं, बोले अभी हमको नरक में जाना पड़ रहा है। वो खुद कहते हैं अभी विदेश नहीं कहते, हमको नरक में जाना पड़ रहा है। भगवान हमें हे ठाकुर जी अगली बार हमें अमेरिका में जन्म नहीं देना, देना तो हमें वृंदावन में जन्म देना, क्योंकि जहाँ जिधर जाओ ना उधर राधे राधे का नाम। वृंदावन में गए ना सब जगह में क्या नाम करते हैं, जोर से बोलो। विदेश में कहीं राधे राधे नाम सुनने मिलेगा, कहीं राम राम सुनने को मिलेगा, कहीं कृष्ण कृष्ण बोलने का मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ ऊपर तो सुना चमक दमक, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। भारत पुण्य भूमि है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारापति केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री पुरी, ये कहाँ है? ये गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है, कहाँ पर है? भारत में। इसलिए देवता लोग भी ये भारत भूमि में मानव शरीर लेकर के भजन करना चाहते हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हो जो कि हमारी भारत में और विशेष करके हिंदू घर में हमारी जन्म हुआ। भागवत खुद कहता है बड़े भाग्य से हमारी भारत और हिंदू घर में हम जन्म लिए हैं, जन्म लिए हम लोग। इसलिए जगन्नाथपुरी में हैं, वहाँ पर जाकर देखना, हम बड़े भाग्यवान जो धाम में जन्म हुए। इसलिए कम से कम कोशिश करनी चाहिए जो धाम है जीवन में, एक एक बार कम से कम धाम में हमारा दर्शन हो, धाम में जाए। विदेश लोग आकर के हमारे देश में रह करके सारे धाम में बास कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तिलक कंठी माला और चोटी रखते हैं, सब चोटी रखते हैं सब। देखना विदेशी को, हमारा चोटी तो पतली, उनको देखना पट्टी बड़ी 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 चोटी है, गले में हम जो कंठी पहनते पतले पतले। आप लोग वृंदावन में जाना देखना इतने मोटी मोटी कंठी, ये विदेशी लोग अंग्रेजी लोग इतने मोटी मोटी तुलसी की माला बना बना गले में धारण करते हैं। तिलक हमें लगाने के लिए शर्म लगती है, आप वृंदावन में जाओ ए अंग्रेजी लोग अमेरिका फ्रांस मोटी मोटी तिलक लगा करके, हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं उनको मुँह से ये सब बात नहीं बोलते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे हैं, कृष्ण कृष्ण ओ भगवान का क्यों, उन लोगों ने देखे दिया भाई शांति हो तो भगवान की भक्ति में ही है और कहीं शांति सुख नहीं। नहीं तो वो अमेरिका लंदन छोड़ करके भारत में आकर के वृंदावन में उनका घर में हर तरह का फैसिलिटी है। जिस चीज़ को हम अभी भोग करना चाहते हैं उन लोगों ने ऑलरेडी वो भोग कर चुके हैं और उसको फेंक करके देखा। ये आत्मा को शांति अगर नहीं मिलेगा तो शारीरिक सुख से जीवन को सुख नहीं मिलती। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी स्वामी महाराज जब अमेरिका में गए ना, इनका पहला लेक्चर था, हमने सुना है अमेरिका सबसे समृद्धशाली देश है, सबसे पैसा वाला, इनका पहला लेक्चर था। लेकिन जब हम न्यूज पढ़ते हैं देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुइसाइड करके मरते हैं अमेरिका, सुइसाइड कब करते हैं, जब जीवन में होपलेस हो जाता है, संपूर्ण नफरत हो जाता है, हैं तभी जा करके कोई सुइसाइड। उनका पहला लेक्चर था सबसे ज़्यादा सुइसाइड करते अमेरिका है, बोले क्यों, डिप्रेशन, डिप्रेशन में हैं। इसलिए भैया शांति तो प्रभु के भजन में भक्ति में। इसलिए श्री जगन्नाथ जी ये 15 दिन तक जगन्नाथ जी अंदर में रहे, बोले क्यों, लक्ष्मी को खूब उन्होंने मनाया, सर पर हाथ, जैसे पत्नी को अगर पति अगर पत्नी से कुछ चीज भी लेना चाहते क्या करती, सर पर हाथ घुमाएगी, प्यार करेगी, फिर मान जा तू कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी तू मान जा, निकलते ना मेरी गलती होगी तू। इसलिए 15 दिन तक जैसे जिसको बुखार पड़े ना, ठाकुर जी ऐसे हाँ जड़ी बूटी ले रहे थे जगन्नाथ जी, जड़ी बूटी ले रहे थे, फल फूल खा रहे थे जगन्नाथ जी हैं। इसलिए 15 दिन के बाद में, इसलिए आज जगन्नाथ जी उठे 15 दिन के बाद, जैसे हम कोई बुखार में पड़ जाते ना पतली खिचड़ी खाते, फिर उसके बाद रोटी खाते,
इसलिए आज 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी को अन्न मिलेगी, जगन्नाथ जी अन्न खाएंगे, क्योंकि वहाँ अन्न की भोग लगता है। इसलिए हम आज और कोई चीज नहीं बना, आज नहीं बना, क्योंकि जगन्नाथ जी 15 दिन बाद में वो अन्न खाएंगे। इसलिए हमको आज हमको हम रोटी नहीं देंगे, पूरी नहीं खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? अब अन्न और छोले की सब्जी है, अन्न की छोले की सब्जी हम खिलाएंगे और मैंगो से खिलाएंगे, ठीक है। कल भी दोपहर में कल भी उत्सव है, क्योंकि परसों जगन्नाथ जी जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, कहाँ वृंदावन जाएंगे, वो वृंदावन नहीं, ये राधा रानी की निकुंज है। अभी राधा रानी कृष्ण आएंगे, 1 साल के बाद है नहीं, धूला जम जाती है, इसलिए राधा रानी अपना हृदय रूपी मंदिर को निकुंज को साफ करती। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी आज 1 साल के बाद में कृष्ण वृंदावन में आएंगे। इसलिए इसी भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर एक गुंडीचा मंदिर जिसको वृंदावन मानी जाती है, उसको अपना हाथों से भगवान स्वयं हाथों से उसको साफ सुथरा करते हैं। वो जो गुंडीचा महिमा है, जो व्यक्ति वो गुंडीचा मंदिर को जो मार्जन करेगा, उसको साफ करेगा, वो मंदिर साफ नहीं अपना हृदय साफ करेगा। आप मंदिर मार्जन करोगे लेकिन मंदिर नहीं, वो हृदय रूपी मंदिर साफ हो जाएगी। भगवान कब हमारे हृदय में बैठेंगे? जब हृदय में काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष कलह जब हृदय से खत्म हो जाएगा, तब तो ठाकुर बैठेंगे ना। ठाकुर थोड़ी बैसे दो बहुत बड़े बड़े संतों का आज तिरोभाव, तिरोभाव मतलब है आज का दिन उन्होंने ये शरीर को छोड़ करके उन्होंने अपना प्रभु की नितल कोई भी हरि कथा कहते हाँ 10 मिनट कहते बस कही कहीं आज जल्दी हम खत्म कर दें, 10 मिनट बोलो फटाफट जल्दी। हाँ अब थोड़ी सी 10 मिनट थोड़ी सी कथा सुन लो, उसके बाद में आपको प्रसाद की आपके सब प्रसाद क्या क्या हाँ बोलो बोलो, ज्यादा समय नहीं बोलना, जल्दी खत्म कर दो, सबको प्रसाद देकर छोड़ देंगे, फिर कल आओगे बनाएगा, कोशिश करना, ठीक है ना, सब कोशिश करना। हाँ अगर 9:30 बजे तो कोशिश करना आने के लिए, अगले आप इंतजार करेंगे, फिर मंदिर को साफ सुथरा करके सब पूरा मंदिर साफ करेंगे। अभी ये भगवान की ये मंदिर है, राधा रानी की निकुंज है, ठीक है ना। और कल जो हमारा जो यज्ञ होगा वो भी विशेष यज्ञ है, एक तो यज्ञ है फिर भगवान नरसिंह देव का मंत्र से ही हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि नरसिंह देव का नाम से यज्ञ करने से अपना घर में जो दुख बाधा विपत्ति है वो समस्त दुख कष्ट दूर हो जाता है, नरसिंह भगवान के मंत्र से यज्ञ करने से। कल ये नरसिंह देव का मंत्र से यज्ञ होगा। पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिलशीतल गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति सिरुशिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनका शुभ विरह तिथि है, शुभ तिरुभाव तिथि है, सप्तम गोस्वामी सचिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। श्री गदाधर पंडित जी के चरण में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु, सपरिकर युगल किशोर राधा गोविंद जी, सपरिकर सोपार्श श्रील जगत गुरु प्रभुपाद जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वांछा करता हूँ।
रूपानुग गुरुपाद पद्म विशेष सर्वसाई पाद अन्यान्य गुरु उपस्थित सतीर्थ गुरुभ्रत वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद समस्त चरण में अधम का यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज एक विशेष तिथि है, हर साल गुरुदेव पुरी में स्थिति पे रहते हैं, पिछले साल भी थे और इससे पहले भी हर साल जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिथि है और आज की तिथि पे पुरी में ही श्रील गुरु महाराज रहते हैं। विशेष करके आज जो तिथि है एक वैष्णव का शुभ विरह तिथि है, बस इतने कहने में अति सुक्ति नहीं होगा। ये कौन है ना, प्रेम मंदाकिनी भागीरथी जेनो वितरिया, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। आज इनका पटचित्र है, यहाँ पे हम सब दर्शन कर रहे हैं। इनका शुभ विरह तिथि है। हमारे गुरु परंपरा में जो एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं उसमें से हमारे एक आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद एक बड़ा विशेष महत्ववाद को बता रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, कविराज गोस्वामी ठाकुर क्या बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि सुनीते सुनीते मौन रति उपजय। क्या होगा, हमारा कृष्ण के प्रति इतने जल्दी प्रीति नहीं हो सकता, कृष्ण के प्रति जो शांत दास्य वात्सल्य मधुर जो भाव है वो भाव भी इतने जल्दी नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, कोई सोचेगा मैं तो साख्य भाव में कृष्ण का सेवा करता हूँ। अब भाई सुदाम मधुमंगल आदि कृष्ण को पटक देते थे, अब दिखाओ गोविंद को नीचे पटक करके, हो सकता है, संभव ही नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं वात्सल्य रूप में प्रेम करता हूँ, अब यशोमती मैया नंद बाबा क्या करते हैं, कृष्ण को नंद बाबा बोलते हैं कि अब मेरे खड़े हुए ले आओ, अब हम अपने चरण पादुका कृष्ण के सर पे रख दें, ये तो अपराध हो जाएगा। तो जो इस प्रकार का जो पांच रस है उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि केहो बुझे केहो ना बुझे, जो गुरुवर्ग का चरित्र को हमको हर समय श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के बाद वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि केहो बुझे केहो ना बुझे, कि कोई समझे और केहो ना बुझे, मतलब कोई नहीं समझे, सुनीते सुनीते मन रति उपजय। श्रवण करते करते एक दिन ऐसा स्थिति होगा, श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि निश्चित रूप में उसके कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर भी बड़े सुंदर लाइन में बता रहे हैं कि वैष्णव गुणगान करीले जिबे त्राण सुनी आछे साधु गुरु मुखे, कि वैष्णव का जो गुणगान करने से ही जीव का कल्याण होता है। तो छोड़ो, आज श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का शुभ विरह तिथि है, श्री गुरुपाद पद्म ऐसे तो इनका बड़ा विस्तृत महात्म्य है, ऐसे स्थिति है, समय का भी अपना एक सीमा है, ऐसे कि जीवा रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस बोलते जाओ। लेकिन जो सार बात है उसमें से बस दो तीन टॉपिक को हम श्रवण करते हैं। देखो, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक समय देवानंद गौड़े मठ में हमारे परम गुरुदेव को किसी ने बोला कि यहाँ तो बहुत सारा जगह खाली हुआ है, आप क्या करो, यहाँ पे फूल बंगला या फूल बगीचा कर लो, अच्छे अच्छे गुलाब जूही चमेली का पेड़ यहाँ पे लगा करके इसमें बड़ा सुंदर सुंदर फूल होगा। तो परम गुरुदेव का किस प्रकार का विचार, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि मैं तो फूल बंगला प्रस्तुत कर ही दूंगा, फूल तो लगा ही लूंगा, लेकिन मुझे मुरझे हुए फूल नहीं चाहिए। क्या बता रहे हैं, मुझे मुरझे हुए फूल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फूल चाहिए जो हर समय अगर ठाकुर के चरणों में अगर मैं प्रदान कर दूं तो वो क्या होगा, वो प्रदान करते ही हर समय वो जाज्वल्यमान हो जाएगा। जैसे हम कोई गुलाब का फूल मार्केट से ले आए, श्री विग्रह को प्रदान कर दिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा रुकेगा, 4 घंटे के बाद क्या होगा, सूख जाएगा वो। तो कमल का फूल, वो तो 1 घंटा भी 10 मिनट भी नहीं रुकते, कुछ देर रुकेगा फिर वो उसका जो शोभा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन श्रील परम गुरुदेव बोल रहे हैं मुझे ऐसा फूल चाहिए, मैं ऐसा पेड़ लगाऊंगा कि जिसमें पूरा चिरकाल तक उसमें सुंदर सुंदर फल हो, सुंदर सुंदर फूल आते हो और ठाकुर जी की सेवा होते रहे। तो हमारे परम गुरुदेव, ध्यान से सुनना, हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने 3 बीज बोया। क्या बोया, 3 बीज बोया। उस 3 बीज में
कौन कौन तीन बीज? भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी, और पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। और उसी बीज से धीरे 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 बड़ा पेड़ हुआ, और जैसे ही बड़ा पेड़ हुआ ना, और पेड़ में जैसे ही फूल और फल शोभा दिया, फूल और फल खिला, तो आज हम अपने सामने ही देख रहे हैं कितना सुंदर विस्तृत रूप में फल उसमें प्रस्तुत है, गुरुदेव के रूप में प्रकाशित किया। तो उसी प्रकार जो जिस प्रकार शिल गुरुदेव हर समय एक बात को बोलते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म, आज तक हमने 4-5 साल भक्ति विनोद ठाकुर के तिथि पे शिल गुरुपाद पद्म के सन्निध्य में ही रुक के हरिकथा श्रवण किया। तो गुरुदेव एक बात को विशेष रूप में वर्णन करते हैं, जो वृक्ष का जो महात्म्य किस प्रकार का होगा, वृक्ष का महात्म्य इस प्रकार की कि फले न परिचय थी, फल से उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। एक आम के वृक्ष को, जैसे किस प्रकार का आम को खाने के बाद उसमें किस प्रकार का मीठा हो, मधुरता हो, उस फले न वृक्ष का परिचय थी। तो श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर किस फल को दिया जगत में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, कैसे हमारे प्रभुपाद जी ने किस प्रकार जगत में जो कुसंप्रदाय और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को जिस प्रकार लुप्त हो गया था, उसको विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद ने क्या किए कि उसको पुनः उद्धारित किए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विरह तिथि था, तो एक समय श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एक समय श्रील प्रभुपाद विरह दशा को अपने हृदय में धारण करके श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आज का जो तिथि है ना, आज का वो तिथि सुमेध तिथि है, सर्व फल प्राप्त तिथि है, सर्व अविष्ट का पूर्ण करने वाला तिथि है। आज का जो तिथि है वो भक्त और भगवान के मिलन करने वाला तिथि है। तो इसका क्या तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो इनको हमारे संप्रदाय में भक्त भागीरथ बोलते हैं। जिस प्रकार भागीरथ ने गंगा जी को किस प्रकार लाए थे बहुत मुश्किल से, उसी प्रकार हमारे संप्रदाय ने श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत मुश्किल करके, पूरा का जो भक्ति का जो रस, जो भक्ति का जो विचार, भक्ति का जो शुद्ध तत्व, वो जो खत्म हो गया था, उसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने पुनः उसको जगत में प्रवाहित कर दिया। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का महिमा है। तो इसमें विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं कि श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र है उसमें एक बात को बोलने की, गौर शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते, क्या है ना, गौर महाप्रभु की जो शक्ति है, महाप्रभु अपने सारे के सारे शक्ति, जिस प्रकार रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को जिस प्रकार प्रदान किया, और उसमें भी जिस प्रकार का गोस्वामी वर्ग ने जिस जिस कार्य को किया, ग्रंथ उद्धार करना, धाम के परिक्रमा करना, श्री विग्रह को प्रकाशित करना, जिस प्रकार गोस्वामी वर्ग ने जिस कार्य को किया, उसी कार्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया। बड़े बड़े रात रात में बैठ बैठ के बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव को प्रकाशित करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर क्या धाम का परिक्रमा करवाते हैं, धाम को चिन्हट करवाया श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने। किस प्रकार इन्होंने, हम समय नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ही मायापुर धाम का प्रकाशित हुआ था, कैसे परिस्थिति में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को वहाँ के लेके जाते हैं, और श्री हम जाते हैं ना नवदीप धाम, वो धाम का प्रकाशित किए श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो धाम का भी प्रकाशित किया। तो इस प्रकार षड गोस्वामी ने जो कार्य किया, उसी कार्य को ही श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया। तो इसीलिए उनको बोलते हैं सप्तम गोस्वामी। देखो सप्तम गोस्वामी और किसी को नहीं बोलते, हमारे संप्रदाय में सप्तम गोस्वामी एक ही है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं, ये थोड़ा उच्च स्थिति का बात है कि कौन है मैं, बोल रहे हैं कि बरणे तड़ित वास तारावली कोमल मंजरी नाम, 12.5 वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम, श्री कर्पूर सेवा ललिता रसते राधा ज्योतेश्वरी होना। बता रहे हैं कि बरणे तड़ित वास तारावली, कि मैं क्या पहनता हूँ, जो सुंदर सुंदर जंगल में जो तड़ित मतलब जो बिजली है, उसके जो छटा है आकाश में, जिस प्रकार बिजली आ जाते हैं और जो शुभायमान होता है, उस प्रकार का मैं वस्त्र धारण करता हूँ, और मेरा नाम क्या है, कोमल मंजरी, और मेरा आयु कितना है, 12.5 वर्ष वयस सतत, और मैं कहाँ रहता हूँ, स्वानंद सुखद कुंजर कुटीर में मैं रहता हूँ, और मेरा क्या सेवा है कि ललिता सखी के मैं जुथेश्वरी, ललिता सखी मेरा जुथेश्वरी है, मतलब टीम का मॉनिटर है, और मैं उनके आनुगत्य में युगल किशोर का, कृष्ण का, राधा रानी का कर्पूर सेवा करता हूँ।
किस प्रकार का भाव को दिखा रहे हैं। और हमारे हर कीर्तन, जो भी कीर्तन हम गान करते हैं, देखो हमारे संध्या आरती कीर्तन वो भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, और मंगल आरती कीर्तन भाले गोरा गदाधरे ये तो हमारे परम गुरुदेव का देन है, और एक कीर्तन है जो अन्यान्य मठों में बोलते हैं कि भक्ति विनोद रही सुर वीर कुंजे आरती दर्शन प्रेम सुख रंजे, कि किस प्रकार का भाव दिखा रहे हैं मंगल आरती कीर्तन, मध्यान्ह आरती कीर्तन, यशोमती नंदन। तो इस प्रकार अनेक सारा कीर्तन हम गीति गुच्छ देखते हैं ना। पिछले बार लॉकडाउन में पूज्यपाद बंसीवर्धन प्रभु ने एक बात को बोला कि आज भक्ति विनोद ठाकुर का तिथि है, आज पेज उलटना चाहिए। मैंने बोला भाई पेज क्या उलटेगा, बोले पूरा का पूरा जितना भी कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर का सब कीर्तन को पाठ करो, सब कीर्तन को एक एक करके पाठ किया जाए किया गया था। तो इस प्रकार जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस भाव में जिस प्रकार का शिक्षा दिया है तो वो अपने में अद्भुत है। और एक हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक बात को प्रकाशित करते हैं, बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने कुंज में स्वानंद सुखद कुंज है जो नवदीप धाम में गए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं झाड़ूदार हूँ, नाम हट का मैं झाड़ूदार हूँ। तो ठीक है भाई झाड़ूदार हो, निकुंज में भी आप जो गौर गणेश राधा गणेश दीपिका में राधा कृष्ण गणो दीपिका में वहाँ पे भी वर्णन कर रहे हैं कि कोमल मंजरी का क्या क्या काम है, वो भी निकुंज में झाड़ू देते हैं, और उनके साथ कनक मंजरी जो श्यामानंद प्रभु वो भी निकुंज में झाड़ू देते हैं, कोमल मंजरी और कनक मंजरी। तो इस प्रकार का भाव तो वहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि झाड़ू दाओ निकुंज कानन है, सीजीबे रो आज्ञा पाया झाड़ू दाओ निकुंज कानन है, कि मैं क्या करता हूँ कि निकुंज निकुंज में झाड़ू देता हूँ और मैं तो निकुंज का झाड़ूदार हूँ। तो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं एक टीका में कि गुरुजी बोल रहे कि आप झाड़ू देते हो ये सही बात है, आप झाड़ूदार हो, आप नाम हट्ट के जो मूल झाड़ूदार हो, नाम हट्ट में आप झाड़ू देते हो, किस चीज़ को झाड़ू देते हो, बोले जो ज्ञान मार्ग है उसको ज्ञान को झाड़ू करके हटा देते हो, जो कर्म मार्ग है उसको हटाते हो, जो योग मार्ग है उसको हटाते हो और उसको सफाई करते हो, सफाई करने के बाद आप क्या करते हो उसी नाम हट्ट में शुद्ध दर में शुद्ध रूप में वहाँ पे क्या करते हो श्री हरिनाम को वितरण करते हो, जगत जीव को उद्धार करते हो। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत महिमा है, समय का भी अपनी सीमा है। आज उनका सुबह विरह तिथि है और गदाधर पंडित जी का भी आज तिथि है। हमारे तोटा गोपीनाथ में बस एक मिनट और बोल देता हूँ, एक समय की बात है गुरुदेव कुछ भक्त को तोटा गोपीनाथ ले गए थे। तोटा गोपीनाथ कौन कौन गए हैं, पूरी में गोपीनाथ जी हैं, जगत में हर जगह देखते हैं कि कृष्ण खड़े होके बांसुरी बजा रहे हैं त्रिभंग छंदी में, लेकिन एक जगह पे पूरी पे कि पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम में कृष्ण कैसे हैं पद्मासन में विराजमान किए हैं। तो एक समय की बात है कुछ फॉरेनर को लोग को लेके गुरुदेव ने तोटा गोपीनाथ गए थे, तो तोटा गोपीनाथ में वहाँ पे देखे महिमा सुने कि तोटा गोपीनाथ इस प्रकार गदाधर पंडित जी का जो क्या निवेदन से बैठ गए, गदाधर पंडित जी का निवेदन से गोपीनाथ जी बैठ गए। तो एक फॉरेनर ने बोला कि अरे व्हाट इज द मिरेकल, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्यवाद है, अरे गोपीनाथ बैठ गए। तो गुरुदेव बोलते हैं इट्स नॉट इट्स मिरेकल, कि ये कोई बड़ा विचित्र बात नहीं है। तो गुरुदेव अपने विचार दे रहे हैं गदाधर पंडित के बारे में, क्या विचार दे रहे हैं, देखो दीपावली के दिन हम हर साल क्या करते हैं, कार्तिक के महीने दामोदर अष्टकम पाठ करते हैं और दामोदर व्रत रखते हैं। दीपावली के दिन विधि है कि सनातन गोस्वामी और सत्यवर्त मुनि के अनुसार जो ग्रंथ है और हरिभक्ति विलास के अनुसार दीपावली के दिन ही कृष्ण को यशोमती मैया ने क्या किया, दाम में बंधन कर दिया था। अब देखो कृष्ण वात्सल्य प्रेम के इतने वशीभूत हो गए कि बंधन को भी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया, एक दिन के लिए यशोमती मैया ने बांध कर रख दिया। लेकिन जो राधा रानी क्या करते हैं, हर दिन के लिए कृष्ण को बंधन में बांध कर ही रखते हैं, हर समय के लिए राधा रानी जिस जगह पे जाते हैं कृष्ण भी उसी स्थिति उसी जगह पे जाते हैं, हाँ राधा रानी जिस जो कार्य को बोलते हैं कृष्ण भी उसी कार्य को करते हैं। तो एक दिन के लिए तो यशोमती मैया ने बांधा था, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। राधा रानी क्या करते हैं, हर दिन के लिए कृष्ण को बांध के रखे हैं। अब भाई जो कृष्ण पूर्ण रूप में राधा रानी के वशीभूत है, अब राधा रानी अगर कुछ मन में इच्छा किए और कृष्ण कुछ ना करे, ये कभी हो सकता है, गुरुदेव बता रहे हैं इस बात को, बता रहे हैं कि राधा रानी और कुछ मन में इच्छा कर दिया और कृष्ण उसको पूरा नहीं करे, ये बात कभी भी हो ही नहीं सकता। और गदाधर पंडित कौन है, ये साक्षात राधा रानी है, ये साक्षात राधा रानी है।
और ये राधा रानी इच्छा कर रहे हैं कि मैं तो ठाकुर को फूल माला नहीं दे पा रहा हूँ, पगड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, तिलक नहीं कर पा रहा हूँ, ये इन्होंने इच्छा किया और गोपीनाथ जी बैठ गए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस भाव को किस प्रकार गुरुवर्ग इस भाव को प्रदान कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी का आज नेत्रोत्सव भी है, नवजौवन दर्शन, बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी 15 दिन के बाद दर्शन देते हैं। हर साल तो पूरी में बड़े उत्साह से रथ यात्रा होता है। 2-3 दिन पहले भी गुरुदेव ने अपने भाव को प्रकाशित करते हुए बोला कि इस समय पूरी में ऐसा स्थिति होगा कि बहुत सारे भक्त बहुत सारे मठ में पूरा भर जाते हैं, ऐसा स्थिति हो जाए। क्या वो आनंद, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। जो जो रथ यात्रा में गए हैं वही जानते हैं, और बाकी वो वर्णन करने से वो नहीं होगा, कोई वीडियो देखने से भी वो नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार का आनंद है वहाँ पर। तो इस साल का हमारा भी बड़ा वो भाग्य है कि हमारे साथ गुरुदेव इस बड़ौत में है, और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दिन उपस्थित हुआ है हमारे समीप पे। और कल के दिन तो एक हमारे संप्रदाय का एक विशेष दिन मान के चलो, क्या है वो कि गुंडीचा मंदिर मार्जन, श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं कि चेत दर्पण मार्जनम। पहले हृदय रूपी जो गंदगी को पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले सफाई करना चाहिए, उसको साफ करने के बाद वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान करेंगे। तो किस प्रकार महाप्रभु का जो भाव है, देखो कल जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है ना, ऐसा मत सोचना कि हम मठ में जाए बस सफाई कर दे, ऐसा भावना नहीं है। भावना ये होना चाहिए कि हम मठ में जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन, हम तो पूरी नहीं जा पाए, हम ना ही गुंडीचा मंदिर देखे हैं, लेकिन हम उसी मंदिर को मार्जन करेंगे जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। किस प्रकार का भाव है ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करने का, एक एक मंदिर मार्जन करने का जो महिमा है वो इतना मात्र में शास्त्र में उल्लेख किया है, क्या बताएं, समय भी नहीं है। तो कल सबके सब निवेदन है कि विशेष रूप में गुंडीचा मंदिर मार्जन है। गुरुदेव अभी बता रहे थे कि 9 बजे से मंदिर को सब सफाई किया जाएगा, मार्जन किया जाएगा, और इसके द्वारा क्या होगा, चित्त शोधन होता है। इसके द्वारा विशेष रूप में बड़े सुंदर सुंदर रूप में हम कल कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद का भी भंडारा भी तो है हाँ, और विशेष रूप में परसों जगन्नाथ जी का भी तिथि है, और जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव है, खुशी का दिन है, और सबसे बड़ी बात तो गुरुपाद पद्म हमारे साथ इस स्थिति पे यहाँ पे उपस्थित है। इससे बड़ा और खुशी जगत में हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से इससे बड़ा और खुशी हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, कल आज जो गुरुवर्ग का तिथि है, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गदाधर पंडित गुरुपाद पद्म, इन सब के चरणों में हम सब प्रणाम करें, और प्रणाम करके हम कृपा के प्रार्थना करें कि हे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, हमको भी कभी हमारे हृदय में भी कभी वही काम क्रोध लोभ वासना को दूर करके हमारे हृदय में भी कभी गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति सेवा की भावना जागृत करे। ये सब प्रार्थना के साथ बांछा कल्पद्रोश हरे कृष्णा। हाँ, आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया है, आज दो दो संतों का आज हमारी तिथि है। कहते पहले जो भक्तिनाथ ठाकुर का आपने नाम सुना, इनको बताते हैं ये भक्ति जगत के भगीरथ है। तो जैसे श्री भगीरथ ने बड़े कष्ट से गंगा को जगत में अवतीर्ण किया है, उसी तरह ये महापुरुष जी बहुत कष्ट से ये शुद्ध भक्ति धारा को जगत में लाए। पहले श्री महाप्रभु धारा में क्या होता था, बीच बीच में कभी कभी शुद्ध भक्ति धारा तो आती है, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ी हो जाती है, उसमें उल्टा पुल्टा लोग आकर के भक्ति जगत को गंदा कर देते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले ये भक्ति जगत में वो आए, बोलते थे हम चैतन्य महाप्रभु का भक्त, लेकिन बीड़ी फूंकते थे, सिगरेट पीते थे, गंजा फूंकते थे, माछ मछली खाते थे, तिलक गले में कड्डी धारण कर लेते थे, और बाबा जी माता जी ऐसे जो कपड़े को पहन करके, हाँ पति पत्नी ऐसे कपड़े को गौरी के कपड़े को पहन करके मतलब बड़े भ्रष्टाचार मचा कर रखे थे। इसलिए लोग जब सुनते थे भैया किसने ये भक्ति धारा को लाए, बोले महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, सुन करके ना लोग नाक सिकुड़ाया करते, बोले महाप्रभु ने इसको लाए, तो नेड़ा नेड़ी उल्टा पुल्टा संगत किया। लेकिन ये महापुरुष जगत में आकर के उन्होंने पूरा महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को फिर जगत में लाए। उसी समय एक व्यक्ति था जिनका नाम कभी से कैसे,
वो बोलता था मैं भगवान, जैसे अभी बहुत सारे लोग आ करके मैं भगवान हूँ, उसने बोल दिया मैं भगवान हूँ। वो बड़े जोगी था, जब जटा को ऐसे करता था वो आग निकलता था, हैं, बड़ा भयंकर जोगी था, बड़ा सिद्धि प्राप्त किया था। और उसने अड़ोसी पड़ोसी लोगों को, स्त्रियों को बोल दिया, कल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा में कृष्ण जैसे रास किया था, मैं भी रास करूँगा। से गांव में जितने लड़की जीवित जितने युवती लड़कियों को बोल दिया, कल रात को सबके सब आना, मैं भी रास करूँगा। अभी स्त्रियाँ डर गई, डर करके पुलिस में रिपोर्ट किया। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जो सुने, उसी समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे, बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। अभी लोग डर करके इनको पास में केस गया, ऐसे ऐसे वो कह रहा है, सब माता स्त्रियों को कहते तुम लोग आना है, रात को रास करूँगा। तब इन्होंने कुछ पुलिसियों को लेकर गए, उनको समझाए, बोले देख भैया तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो भगवान है, वो भगवान कृष्ण हमारे भगवान, भगवान राम हमारे भगवान है, जगन्नाथ भगवान, तू क्यों अपने आप को भगवान कहते हो। कुछ लोग ऐसे बीच में कर रहे थे ना, भगवान भगवान, अभी जेल में बंद सब, ये सब जेल से भगवान सब जेल में बंद हो गए। हमें उड़ीसा में भी एक भगवान जेल में बंद है, वो कुछ रिद्धि सिद्धि को जानता था, हाथ में ऐसे करता था तुलसी पत्ता निकलता था, हाथ से शहद निकलता था, बड़े अद्भुत सिद्धि, बड़ा विभूति करता था, वो भी अपने आप को भगवान बोलता था, लेकिन अभी वो जेल में बंद हो गया। इसलिए भैया भगवान तो हमारे कन्हैया भगवान है, हमारे राम भगवान, और कोई भगवान नहीं। इधर उधर व्यक्तियों को पीछे खबरदार पढ़ना नहीं, आप लोग भगवान का डेफिनेशन नहीं जानते, इसलिए सबको भगवान कहते हो, हैं, भगवान तो हमारे राम कृष्ण ही भगवान, इसी से ही संतुष्ट रहो। इधर उधर जो तथा कथित जो भगवान के चक्कर में मत पड़ना। इन्होंने जा करके समझाया, भाई भैया तेरे पास में रिद्धि सिद्धि ठीक है, तू अपना तक रहो, ऐसे नहीं लड़कियों को मत कहा करो, अब हम रास रचाएंगे, खबरदार ऐसे मत करना। जब उन्हें समझाने के लिए गए, बोले तू मेरे को उपदेश देने के लिए आए हैं, ज़्यादा बोलना नहीं, भाग जाए यहाँ से। तो भक्त विनोद ठाकुर, वो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो बहुत बड़े संत थे, हाँ जगत में भक्ति धरा को लाई जगत में। बोले देख सावधान हो जा, हम तेरे बोल सावधान हो जा, बोले तू सावधान हो जा, इनको बोले, जो बोले इतने में साथ में पुलिस को बुलाया, बोले इसको पकड़े इसको। उसने ऐसे ऐसे जटा करने लगे, जटा से आग निकलना शुरू हुआ, इतना बड़े सिद्धि था उनके पास में। लेकिन इनको तो पता है ना, योग में कुछ सिद्धि होता है, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ करके जितने जटा था कैंची से काट दिया, इसको जेल में बंद कर दिया सीधा, उन्होंने इसको जेल में बंद कर दिया। एक महीना तक उसने नहीं खाना खाया, एक महीना तक योग प्रभाव से एक महीना तक तो भूखे रहा, लेकिन उसके बाद में अपना प्राण त्याग दे दिया। इसलिए ये महापुरुष ने जितने उल्टा पुल्टा चीज था ना, उसको खंडन करते हुए उन्होंने जगत में शुद्ध भक्ति धारा को जगत में प्रचार, और ये महापुरुष ने प्रसारित किया। और सुन रहे थे जो प्रभुपाद भक्ति वेदांत, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इनके पुत्र रूप में आए, और पृथ्वी में जो महापुरुष का वाणी, हमारा जो शुद्ध सनातन धर्म पृथ्वी में सर्वत्र जो प्रचार है, ये महापुरुष का आशीर्वाद से ही है। और आप लोग श्रवण कर रहे थे, हर जगह में देखोगे भगवान को खड़े हुए, आप कभी देखे भगवान को बैठते हुए कभी देखे हो, कहीं हमारे कृष्ण व राम कहीं बैठे हुए देखे हो कहीं, आप कहीं नहीं देखोगे। देखो ठाकुर जी को हर जगह पर ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन केवल पृथ्वी में एक जगह पर देखोगे ठाकुर पद्मासन करके बैठे हुए, वो जगन्नाथ पुरी में। ये तो छोटा गोपीनाथ है, ये गदाधर पंडित जिनका तिथि, वो उनको पूजा सेवा करते थे। जब ये इनको उम्र ज़्यादा हो गया, महापुरुष का विरह से ठाकुर को सेवा पूजा नहीं कर पाए, बोले आपकी सेवा हम नहीं कर सकते हैं, आप इतने ऊँचे हो, बोले कोई चिंता मत कर, सवेरे आकर देखना, मैं बैठ गया। सवेरे आए तो देखा ठाकुर जी एकदम पद्मासन करके ठाकुर जी बैठे हुए, देखे कौन कौन देखे ठाकुर जी को, दो चार व्यक्ति देखे, कभी होगा तो कभी अगले साल तैयारी हो जाना, इस साल से तैयारी करना, अगले साल सबके सब जगन्नाथपुरी जाएंगे, ठीक है, कौन कौन जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करोगे ठाकुर जी कैसे बैठे हुए, अद्भुत अद्भुत ठाकुर देखोगे वहाँ पर। एक एक ठाकुर का नाम साखी गोपाल, वो वृंदावन से चलते 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 साखी देने के लिए चल चल करके वृंदावन से पूरी तक पहुंच गए, चल चल कर पहुंच गए, इसलिए वो ठाकुर का नाम पड़ गया साखी गोपाल। क्यों, साखी देने के लिए चलते चलते गए थे। वहां पर देखोगे बीच में एक ठाकुर जी है, भगवान राम अपना हाथों से, भगवान को तो बहुत जगह पर देखोगे, लेकिन भगवान भगवान को बनाया ये कहीं नहीं देखोगे। जहाँ पर भगवान राम स्वयं
कृष्ण को जब सीता जी ने बोले आप द्वापर युग में आप रूप कैसे होगा मेरे को दिखाओ, रामचंद्र स्वयं एक पत्थर के ऊपर में उन्होंने विग्रह को उन्होंने बनाया, उसका नाम खीरचूरा गोपीनाथ। अद्भुत अद्भुत चीज वहाँ पर देखोगे, वहाँ पर लिंगराज मंदिर देखोगे अद्भुत है, पृथ्वी में सबसे बड़े शिवलिंग अगर कहीं है, इतने बड़ी जो आधा ना एक साथ में गंगा जमुना जिसमें उसमें चिन्ह है हरि हर दोनों, पृथ्वी का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो जगन्नाथपुरी में जिनका नाम लिंगराज। और एक अद्भुत चीज देखोगे, कहीं अगर शिवलिंग एक ही देखोगे लेकिन एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग है, एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग है ना, पुरी में देखो और कहीं नहीं देखोगे। और शिवलिंग एक व्यक्ति को वो शंकर जी की भक्ति करता था, उसको 7 साल में मरने का था, लेकिन उन्होंने जिस समय जमदूत पकड़ कर ले जा रहे थे इतने में शिवलिंग को उसने पकड़ लिया तो इतने में स्वयं शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। आप वहाँ पर देखोगे ना शिवलिंग फट गई पूरा, शिवलिंग फट करके स्वयं शंकर जी वहाँ पर, अद्भुत अद्भुत वहाँ पर चीज देखोगे हैं। वहाँ पर बिंदु सरोवर देखोगे, शंकर जी अपना त्रिशूल से उन्होंने गाड़ करके पार्वती को पानी पिलाने के लिए उन्होंने त्रिशूल से उन्होंने एक तालाब बनाया, नंदी पृथ्वी में समस्त तीर्थ में गए जा करके बूंद बूंद सारे तीर्थ का पानी लाए, इसलिए उसका नाम पड़ेगा बिंदु सरोवर। केवल वहीं पर देखोगे, वहाँ पर देख बिंदु सरोवर देखोगे हैं, अद्भुत अद्भुत चीज वहाँ पर देखोगे जगन्नाथपुरी में, अद्भुत अद्भुत चीज है। कद जहाँ पर स्नान करने से पृथ्वी का सारे तीर्थ में आपको नहाना हो जाएगा, अद्भुत अद्भुत चीज। अगर इसको देखना चाहते हो अगले साल सबके सब चलना, कौन कौन जाएगा, सब चलेगा ठीक, सबको ले चलेगा अगले साल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि, आरती करी वो आप लोग देखो हमारे जो वो जो बीच में जो जिनको माला पहनाया है, इनका नाम ही भक्ति विनोद ठाकुर है, इन्होंने ही भक्ति जगत को लाए, अगर ये नहीं लाते तो अभी जो हमको भक्ति करते हुए देखते हो हम भी नहीं मिलते हैं, हम भी नहीं मिलते, बड़ौदा में जो थोड़ी बहुत भक्ति प्रचार हुआ ये भी नहीं होता, इसी महापुरुष का आशीर्वाद है। आप लोग सब के सब खड़े हो जाओ, इनकी आरती होगी, इसको बाद में सभी लाइन करके बैठ जाना और प्रसाद लेकर के जाना ठीक है। श्रीकांत इधर संजीव, हाँ देखो हरे कृष्णा। देखो हर समय जो प्रसाद बनता था हमारी, हम हर समय जो प्रसाद बनती थी हमारी, जो कौन बनाते थे, हाँ प्रभु जी बाहर से हमारे भक्त लोग बनाते थे, लेकिन आज जो प्रसाद बना है हमारे भक्त लोग अपना हाथों से बनाया, मतलब कहीं पता नहीं आपको कैसे लगेगा, लेकिन हमारे श्रीकांत प्रभु श्रीदास प्रभु ने ये उन्होंने चावलों को बनाया, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ चावल खाते हैं, और उसमें छोले का सब्जी बनी जिसमें हमारे नुपुर दीदी उन्होंने बनाई, और एक दीदी मदर दीदी कौन सी था क्या नाम दीदी, हाँ विनीता दीदी ने, और ठाकुर जी के लिए पकौड़ा पकौड़ा हमारे श्री लता दीदी ने सब पकौड़ा पकौड़ा ठाकुर जी के लिए छप्पा अनुभव से बनाया है ठाकुर के लिए, और हमारे संजय प्रो जी मैंगो जूस बनाए मैंगो शेक। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करे, ओए वैष्णव ठाकुर दयार, आदिया पग छाया तो दया मारे, दिया पग छाया तो दया मारे, तुम्हार चरणारी तुम्हार चरणी अछाया बेगदम हो गया, छय तो सोरी छय गो न देहा छाया बेगदमी छय तो सोरी छय गो न देहा छय सत संग दे हमारे, छय सत संग दे हमारे, बचे संगेरा आते एकाकी हमार नहीं पाए
अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलिया अमित कृष्ण कृष्ण बलि राइतव पाटे राइतव पाटे भय वैष्णव ठाकुर दयाल सारा देने का व्यवस्था करो। हाँ, किसको? बच्चे लोग हैं ना यहाँ। हाँ, हमारे जो अब लोग सब प्रसाद देने का व्यवस्था करो। फिर अंदर से बाल्टी लाओ, उसको भर की नहीं बाल्टी ला रही भर दिया। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सारी चीज को थोड़ा भरवा।